हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और मैं सही हूँ, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। पर मेरा तबीयत थोड़ा सा लो चल रहा है, बट हम लोग जा रहे हैं घर कोलकाता के लिए। और ये शाम का वक्त है जब हम लोग स्टेशन पे खड़े हुए हैं, और यहीं से हम लोग ट्रेन लेंगे और हम लोग जा रहे हैं शक्तिपुंज में। जी हाँ, यहाँ से ये वाला ट्रेन ही जाता है जो रिज़र्व करके जाना होता है। ये थोड़ा सा आप लोग खाली खाली सा देख रही है, स्टेशन थोड़ा सा ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं होता है, लगभग इतना ही रहता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आई थिंक 6:30 तक हम लोग का ट्रेन आ जाएगा, तो तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी शायद 5:15 या फिर 5:30 बज रहा है, और हम लोग दोपहर को निकले थे। ये चलिए देखिए, हम लोग ट्रेन पर उठ भी गए हैं, और ये हम लोगों का उस साइड वाला सीट ही हम लोग लिए हैं जो है नीचे और ऊपर का दोनों है, हम दोनों का। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा लो चल रहा है, तो उसके चलते मैं थोड़ा सा शांत ही हूँ। और बीच बीच में ट्रेन रुक भी रहा था, बहुत सारे स्टेशन पर रुके हैं क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग उठ रहे थे। और ये देखिए बाहर का नज़ारा थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मुझे भी देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ही बस ट्रेन पे जाते हुए ना, ये एक अलग ही मज़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे ये बाहर का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है, ट्रेन का हो या फिर बस से हो। तो मैं हर वक्त कोशिश करती थी कि मुझे विंडो वाला सीट ही मिले, पर तब तो छोटी थी। पर अभी जब बड़ी हो रही हूँ तब सब कुछ समझ में आ रहा है कि कभी सीट मिलता है कभी नहीं मिलता है, पर एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए हम लोग चंदपुरा में आए हैं, ये मतलब ट्रेन रुका है यहाँ पे, 2 से 5 मिनट तक रुका था वहाँ पे। और ये बड़े बड़े से कुछ रखा हुआ था, जैसे मालगाड़ी होता है उस तरीके से ये रखा हुआ था वहाँ पे। अगर आप लोग वहाँ से हैं, कोई भी देख रहे हैं ना, तो आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, क्योंकि मुझे देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि ये सब क्या है। तो मैं हस्बैंड से थोड़ा बहुत पूछ रही थी, तो इसके बारे में बातें कर रही थी। ऐसे ही करके हम लोग थोड़ा सा टाइम जो है पास कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे भूख लग गया था। हम लोग दोपहर में आई थिंक 12:30 या 1 बजे तक खा के निकले थे, तो अभी रात का आई थिंक 7:30-8 बज रहा था। 9 बजे तक खाना जो है आ जाएगा, वो ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है। नहीं पैंट्री से नहीं, पैंट्री से था पर बाहर से किया था, आएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये मैं थोड़ा सा A1 का ये नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बाथरूम साइड में कुछ देखने लायक नहीं है, पर हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा साफ था, मतलब 3rd AC से ये बेहतर था। कोई खड़ा हुआ है सामने, और ये देखिए मैं जो जहाँ से जा रही हूँ ना, ये पूरा ही उसमें ही पड़ता है, मतलब 2nd AC में ही पड़ता है। ये देखिए कितना क्यूट साइज बच्चा है, यहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब खड़ी हुई थी। तो मैं आगे जा रही हूँ, वहाँ पर आई थिंक 1st AC है यहाँ पर। यहाँ पर ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कमरा नहीं था, 2 से 3 ही था, मतलब जैसे रिजर्व कमरा होता, मतलब पूरा ही वो अलग से रहता है ना, अगर कोई फैमिली जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली छोटा सा, तो वो आई थिंक वहाँ पे कंफर्टेबल होता है। तो ये मैं टॉयलेट के लिए निकली थी, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा चल लेती हूँ, क्योंकि तबीयत मेरा इतना सही था ना, सही नहीं था ना, तो इसके चलते इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट इट्स ओके, मैनेज कर रही थी। ये मैं खुद को भी थोड़ा दिखा रही हूँ, मेरे ड्रेस के ऊपर मत जाइए प्लीज़, क्योंकि मुझे हाथ में जो सामने मुझे मिला मैं वही पहन ली थी, क्योंकि एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मूड भी सही नहीं था जब हम लोग निकल रहे थे। थोड़ा सा हस्बैंड से झगड़ा भी हो गया था सच बताऊँ तो सब कुछ मिल मिला के ऐसा ही कुछ टाइम चल रहा था मेरा, और उसके ऊपर से मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी। और वहाँ पर स्टेशन पर जाके भी थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर की बातें हो गई थी, बट इट्स ओके, जब बाहर निकल रहे हैं तब आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी हो जाता है, दिमाग थोड़ा किसी किसी बात में गर्म हो जाता है, आई थिंक सबके साथ होता है, बट इट्स ओके, सब कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ता है। और ये देखिए मुझे लगता है ना कि आगे वाला जो कंपार्टमेंट है जो वहाँ पर लगा हुआ था ना, वो आई थिंक जनरल है, मुझे देख के ऐसा लगा। तो अगर आप लोगों को पता है ना, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे लिख के कि वो क्या था या फिर उसको क्या बोला जाता है। तो ये यहाँ से मैं अभी निकलूँ, मुझे यहाँ से जा रही हूँ, और थोड़ा बहुत आप लोगों से भी शेयर किया, और मैंने भी खुद को थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे पे इतना बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ था ना, तो
तो देखते मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा जितना भी सजी सभी तो थी नहीं मैं एकदम से, कि कितना टेंशन में, तबीयत ठीक नहीं है, फिर झगड़ा ये वो करके इतना सजने का तो टाइम नहीं था। बस एक बिंदी लगाई और चोटी बनाई और निकल गई। चोटी बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, पर सोचा कि नहीं, क्योंकि हेयर मेरा उतना ज़्यादा सेट नहीं था उस वक्त, क्योंकि ये हमारा जो जर्नी है ना, ये अचानक ही तय हुआ और फिर जाना हुआ, दैट्स वाई कि मैं खुद को भी थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना भी मैंने कुछ सजा नहीं था। आई थिंक एक लिपस्टिक भी मैं नहीं लगाई थी, सोचिए कम से कम एक लिपस्टिक तो मैं लगा ही लेती हूँ, पर घर पे भी मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, पर अभी नहीं लगाई थी। मूड अगर ठीक आपका नहीं है ना, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये कॉमन सी बात है। और ये हस्बैंड और ये हूँ मैं, और क्या दिखाऊँ, झगड़ा ही कर रहे हैं बस, बट इट्स ओके, आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक हो गया था बाद में, मैं क्योंकि ये वॉइस ओवर भी बाद में कर रही हूँ, पर ये होता रहता है, आई थिंक सभी के साथ होता है। तो ये और एक स्टेशन है, स्टेशन का नाम मुझे उतना पता नहीं है, पर इसी स्टेशन पे थोड़ी बहुत रुके थे ट्रेन, मतलब 5 से 10 मिनट तक रुक गया था, और वहीं पर सब लोग उतर के खाना वाना भी ले रहे थे, हम लोगों का भी ऑर्डर वहीं पर था, वहीं से मुझे हम लोग को मिलना था। और ये मैं खुद को थोड़ा सा दिखाते हुए, कुछ तो सजा नहीं थी, मतलब लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, तो कितना फीका फीका सा मैं लग रही थी, मुझे खुद को देख के, मतलब छोड़िए जाने दीजिए, अभी खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ये खाना मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इतना बहुत बढ़िया कुछ नहीं था, वो लोग बताए थे कि गर्म मिलेगा, पर गर्म भी नहीं था, पर इट्स ओके, मिल जाए थोड़ा सा फ्रेश, यही बहुत है कि सब मतलब तभी तभी बना हुआ। तो इसमें क्या था मैं एक बार बता दे रही हूँ, चावल था, 2 रोटी था, एंड उसके साथ एक सब्जी था पनीर और कुछ मिला के, और दाल था, और उसके साथ भी और एक सब्जी था पनीर का, और हस्बैंड के प्लेट में सभी एक ही था, उसके साथ सिर्फ उनका एक चिकन था, पर वो भी एकदम अच्छा नहीं था। आई थिंक उससे मेरा सब्जी ये थोड़ा सा खाने में अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके जितना हुआ खा लिए, उसके बाद का बाद बाकी रह गया, क्योंकि हर वक्त मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं फिनिश नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए, ये चार्जिंग पॉइंट है जिसमें मैं लगा दी हूँ, ये सब फैसिलिटी बहुत यहाँ पे अच्छा ही रहता है। और ये करते करते बहुत जल्दी ट्रेन पहुँच गया था, हम लोग सोने भी, मतलब अच्छे से सोने का भी हमें टाइम नहीं मिला ट्रेन पे, क्योंकि रात का ट्रैवल था, हमेशा वही प्रेफरेंस होता है, पर नहीं मिला टाइम। हम लोग 3:30 बजे तक पहुंच गए थे कोलकाता में, जी हाँ। उसके बाद टैक्सी के लाइन पे लग गए, उसके बाद टैक्सी मिल गया, उसमें भी आधा 1.5 घंटा चला गया, और ये है हावड़ा ब्रिज, ये है हम दोनों उसमें, और हावड़ा ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता है कोलकाता में। पर सबसे बड़ी बात ये जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, ये है कि रात के 3:30 बजे कोलकाता का नज़ारा कैसा है, और मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी होके रहेगी। क्योंकि देखिए, पूजा के टाइम पे हम लोग रात में जो है कोलकाता में, बंगालीज हम सभी को पता है, अगर कोई सुन रहे हैं तो, हम लोग पैंडल हॉपिंग करने में तो बहुत ज़्यादा माहिर है, रात को निकलते ही है, पर ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, तब तो भीड़ रहता है, ये पूरा एकदम खाली सुनसान सा रास्ता था, देखने में भी अच्छा लग रहा था, डर भी थोड़ा बहुत लग रहा था, बट इट्स ओके। तो ये एक अलग ही उस दिन एक्सपीरियंस हुआ, मुझे अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये है बिरला मंदिर।